तो आज हम बताएंगे कि अपने मोबाइल से आप बीज का अप्लाई कैसे कर सकते हैं। दोस्तों बीज का ऑनलाइन अप्लाई चालू हो चुका है। तो दोस्तों सबसे पहले हम आप जाएंगे क्रोम ब्राउजर में। क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद लिखना है दोस्तों एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, जो कि मैंने लिख लिया हूँ दोस्तों। यहाँ पर देखिए मेरे पे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ये लिखना है। ये लिखने के बाद दोस्तों मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट फर्स्ट में ही आएगा दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक कर देते हैं दोस्तों। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे क्लिक करना है। इस प्रकार का इंटरफेस आएगा दोस्तों आपके पास खुल के, तो इसको टॉपअप को हटा देना है। यहाँ पर देखिए आप सबसे ए यहाँ पर दिखेगा बीज अनुदान आवेदन। दोस्तों ये 14/5/2022 को ये खुला हुआ था दोस्तों। अब इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, अभी तक देखिए 2495 बीज आवेदन हुआ है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक कर देंगे। सबसे पहले आवेदन पर क्लिक करना है। आवेदन पर क्लिक करने के पहले दोस्तों आपको ये दूसरे साइट पर ले जाएगा। तो दोस्तों अब इस प्रकार का इंटरफेस आता है। तो दोस्तों इसको क्या करें, दोस्तों ये 3 डॉट पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों डेस्कटॉप साइट लिखा होगा यहाँ पर, डेस्कटॉप साइट। दोस्तों डेस्कटॉप पर क्लिक कर देना है। डेस्कटॉप पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। तो दोस्तों अभी जो है 2023-24 का सेशन चल रहा है दोस्तों। तो इस पर क्या करना है, सबसे पहले आपको गर्मा 2023-24 सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको किसान पंजीयन इसमें डाल देना है। अगर आपके पास किसान पंजीयन नहीं है तो दोस्तों सबसे पहले किसान पंजीयन रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। मैं अपना इसमें किसान रजिस्ट्रेशन डालता हूँ। तो दोस्तों मेरा किसान रजिस्ट्रेशन क्या है, मैं अभी इसमें डाल देता हूँ। किसान रजिस्ट्रेशन डालने के बाद दोस्तों हम इस पर आपको यहाँ देखिए, किसान रजिस्ट्रेशन डालने के बाद दोस्तों यहाँ पर सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। सर्च वाले किसान पर क्लिक करने के बाद दोस्तों इस प्रकार का इंटरफेस, किसान का सारा डिटेल आ जाएगा, पंजीयन आ जाएंगे, सारी डिटेल आ जाएंगे, यहाँ पर नाम आ जाएगा, सारी चीज़ आ जाता है। ठीक है दोस्तों, इस पर आने के बाद दोस्तों आपको नीचे आना है। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है आपको, यहाँ पर फसल का नाम भी दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर दिया है उड़द का दाल है, मूँग का दाल आया हुआ है, मूँग का दाल आया हुआ है, अदर्स फोर्ड आया हुआ है। दोस्तों लगेगा पैसा कितना, आपको ये अनुदान देगा, इसमें आपको लग जाएगा कितना रुपया, 150 रुपया लमसम में लगता है दोस्तों, और उसमें सरकार छूट देती है। तो सबसे पहले दोस्तों हम उड़द का दाल नहीं लेंगे, हम दोस्तों मूंग का दाल लेना चाहते हैं। तो दोस्तों इसे यहाँ पर देखिए अप्लाई का ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये अप्लाई वाले बटन पर हम क्या करेंगे, क्लिक कर देना है दोस्तों। अप्लाई वाले पर क्लिक करने के बाद दोस्तों इस प्रकार का आएगा आपको सब खुल के। तो यहाँ पर दोस्तों सबमिट का ऑप्शन आ रहा है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। ये बोल रहा है ऑलरेडी डिमांड, लेकिन दोस्तों ऑलरेडी डिमांड नहीं हुआ है क्योंकि हम नहीं अप्लाई किए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, दे राशि है यहाँ पर, मात्रा यहाँ पर करना है दोस्तों। यहाँ पर मात्रा 0 था तो दोस्तों हम 1 करेंगे क्योंकि 1 मात्रा लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं 8 kg लेना चाहता हूँ दोस्तों। 8 kg का मूल बता रहा है ये कितना, यहाँ पर मैंने 8 डाल दिया हूँ। डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे डायरेक्ट क्लिक कर देना है। दोस्तों सबमिट वाले क्लिक करने के बाद दोस्तों इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा, क्योंकि मेरा दोस्तों ये सबमिट हो गया। अब मेरे मोबाइल पे एक OTP आएगा। OTP आने के बाद दोस्तों ये OTP लेके हम ब्लॉक जाएंगे। ब्लॉक पे जाने के बाद दोस्तों ये आपको तो पता ही है दोस्तों, लाइन में लगेंगे, और लाइन में लगने के बाद दोस्तों लेना है दाल, तो उसमें मुझे बहुत ही सस्ता पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिए।